नमस्कार, जे स्काई न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं करिश्मा परिहार, आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछले 44 वर्षों से इस क्षेत्र में सनातन संस्कृति एवं संस्कारों को सुदृढ़ करने का जो काम किया जा रहा है वो काफी सराहनीय है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से की जा रही ये पहल संस्कृति और संस्कारों के नव निर्माण में महत्वपूर्ण है। मगरा क्षेत्र की इस धरा का ये सौभाग्य है कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान के वंशज निवास करते हैं। सीएम शर्मा रविवार को ब्यावर के आशापुरा माता धाम में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह के समापन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि चौहान होनहार थे, वीरता के लिए पहचाने गए और धर्म परायण थे। मात्र 11 वर्ष की आयु में ही ऐसा जज्बा और जोश था कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनमें दया की भावना थी, यही कारण था कि मोहम्मद गोरी को तराइन के मैदान में 17 बार पराजित करने के बाद भी उसे माफ करते रहे। सीएम शर्मा ने चौहान की वीर गाथा का गुणगान करते हुए कहा कि यदि चौहान के साथ छल खपट नहीं होता तो आज विश्व में भारत की पहचान कुछ अलग ही होती। उन्होंने चौहान को एक शासक नहीं युग बताया और कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है। त्याग, बलिदान और वीरता की गाथाएं दिलों में जोश और देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का भाव पैदा करने वाली है। शर्मा ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक थे, जिनका नाम आज इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। अपने संबोधन में सीएम शर्मा ने युवा पीढ़ी को उनके आदर्श जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही और अपने लक्ष्य एवं विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। चौहान जयंती के समापन के मौके पर आयोजित किए गए सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन की सराहना करते हुए शर्मा ने कहा कि सामूहिक विवाह आज के समय की अच्छी परंपरा है, जो फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के साथ साथ समाज में समानता एकता की भावना को प्रगाढ़ करता है। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों के दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना की एवं सभी वर वधुओं को अपना आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम, मेहंदीपुर बालाजी धाम के महंत महामंडलेश्वर डॉक्टर नरेशपुरी महाराज, विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मंत्री उमाशंकर, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, सुरेश सिंह रावत, सांसद राजसंबंध महिमा कुमारी, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, भीम विधायक हरि सिंह रावत भी अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिनका आयोजन समिति की ओर से माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इससे पूर्व सीएम भजनलाल शर्मा ने आशापुरा धाम पहुंचकर मां आशापुरा के दरबार में पूजा अर्चना कर धोक लगाकर मां का आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात सीएम शर्मा ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत भी उनके साथ रहे। सीएम शर्मा के समारोह स्थल पहुंचने पर आयोजन समिति के संयोजक पूरन सिंह रावत, पृथ्वी सिंह भोजपुरा, सुरेश वैष्णव, नीतीश गोयल, विक्रांत सिंह रावत आदि ने उन्हें माला साफा पहनाकर एवं शौर्य का प्रतीक तलवार भेंट कर भव्य स्वागत किया। पृथ्वीराज चौहान जी आज के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जन्मोत्सव समारोह में हमारे बीच में मंचासीन महामंडलेश्वर मेहंदीपुर बालाजी धाम के महंत श्री नरेशपुरी जी महाराज, खूब बुलाया फिर कार्यक्रम में हमारे बीच में पूज्य महंत रामकृष्ण जी, पाटन बदनाथ महाराज, पूज्य नरेशपुरी जी महाराज, अलकपुरी धुनी हमारे बीच में, हमारे संघ के क्षेत्रीय प्रचारक सम्मानीय निम्बाराम जी भाई साहब, हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री जो आपके बीच में लंबे समय से आपके बीच में आने वाले हर काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उन्होंने अपना बहुत समय आपके बीच में दिया है, ऐसे सम्माननीय उमाशंकर जी भाई साहब। आया हूं तो मैं कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए ब्यावर के अंदर, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी लखपति दीदी योजना से मैं बहुत प्रभावित हूं। हमारी स्वयं सहायता समूह की 40 लाख महिलाएं जो सहकारिता विभाग में पंजीकृत हैं, 1000 फेडरेशनों से जुड़ी हुई हैं
और 1000 फेडरेशन पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से बन रहे हैं, महिलाओं की ये फेडरेशन उन्हें लखपति दीदी बनाने हेतु प्रयासरत है। मैं भारत सरकार के सहयोग से देश का प्रथम महिला निधि बैंक जो सहकारिता विभाग में पंजीकृत वित्तीय संस्था है के द्वारा लखपति दीदी बनाने हेतु महिलाओं को 2.5 इतने सस्ते में प्रतिशत में ब्याज मिलता है, जिससे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमारी बहनें काम करती हैं। यही नहीं, हमारी एक स्वनिधि योजना है और स्वनिधि योजना के माध्यम से पहले हमको 10,000 रुपए मिलते हैं, उसकी ब्याज नहीं दी जाती है। 10,000 रुपए का काम पूरा किया अगर वो बढ़ दिए तो 20,000 रुपए मिलते हैं, अगर 20,000 रुपए बढ़ दिए तो फिर उसके 50,000 रुपए मिलते हैं, अगर 50,000 रुपए उसके बढ़ जाते हैं तो 1,00,000 रुपए मिलता है, और 1,00,000 रुपए बढ़ जाते हैं तो उसको 2,00,000 रुपए तक मिलते हैं। उसकी कोई ब्याज नहीं होती है, सिर्फ वो अपने काम के माध्यम से उसको ठीक प्रकार से करे तो उन बहनों को इस तरह की योजना मिलती है। मैंने मेरी 2 बहनों को देखा था, उन्होंने 10,000 रुपए लिए थे, उनके पिताजी एक संस्था के सामने ढकेल पर चाय बना करके बेचते थे, उनको 2 बहनें थी, उनके मन में आया कि हम कुछ और बनाएं, उन्होंने 10,000 रुपए का स्वनिधि से उन्होंने लोन लिया और उन्होंने 1.5-2 महीने के अंदर वो 10,000 रुपए चुका दिए, क्योंकि वो उस दुकान पर टोस्ट वगैरह बिस्किट वगैरह रखने लग गए और धीरे धीरे उन्होंने उसको भी चुकाया। आगे चला तो उन्होंने उसमें एक छोटी सी दुकान लगा करके उन्होंने और नाश्ते का सामान प्रारंभ कर दिया और उन्होंने 50,000 रुपए ले लिए, 50,000 रुपए भी चुका दिए, उन्होंने 1,00,000 रुपए भी ले लिए। अब उस बगल में एक दुकान पर दोनों बहनें ने एक दुकान किराए पे ली और पिताजी को भी ले लिया और उन्होंने 2-2 लाख रुपए लेकर के 4 लाख रुपए में एक बहुत बढ़िया दुकान चला करके अपनी आमदनी बढ़ाने का काम किया। वो धर्म परायण थे, इसीलिए तो उन्होंने 16 बार ऐसे मोहम्मद गौरी को छोड़ा, क्योंकि वो धर्म परायण थे, धर्म के आधार पर चलते थे। वो कहते थे कि सामने कोई आकर के खड़ा हो जाता, अपने प्राणों की भीख मांगता है तो उनके अंदर दया आ जाती थी, और इस तरह से उन्होंने 16 बार उस मोहम्मद गौरी को छोड़ने का काम किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पिता के निधन के बाद मात्र 11 वर्ष की उम्र में दिल्ली और अजमेर की गद्दी को संभालने का काम किया, और उन्होंने अपने क्षेत्र में जिस तरह से काम किया और उन्होंने जिस तरह से आदाताइयों को खदेड़ने का काम किया, उनसे कभी भी उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। अगर उन्होंने दया का भाव दिखाया तो उन्होंने ही दिखाया कि कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन आपने देखा होगा एक बार अगर किसी तरह से बुलाते हुए तो उनकी क्या स्थिति हुई, लेकिन अंतिम क्षण तक उन्होंने छोड़ा नहीं और उन्होंने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अंतिम क्षणों में भी उसको समाप्त करने का काम किया।